नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्ट्री एंड सीक्रेट फैक्ट्स में। दोस्तों, आमतौर पर सब्जियों की कीमत कितनी होती होगी? ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए किलो। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी सब्जी है जिसकी कीमत ही इतनी है कि बड़े से बड़े अमीर इंसान को भी खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इस सब्जी के लिए आपको 1000 यूरो प्रति किलो के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से ये करीब 82,000 रुपए प्रति किलो पड़ती है। तो चलिए जानते हैं आज इस सब्जी के बारे में, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। इस सब्जी का नाम है हॉप शूट्स, और इसका जो फूल होता है उसे हम कहते हैं हॉप कॉन्स। इसके फूल का प्रयोग बियर बनाने में किया जाता है, जबकि बाकी की टहनियों को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब्जी इतनी महंगी है कि शायद ही किसी बाजार या फिर किसी स्टोर में आपको मिल पाए। हॉप शूट्स नाम की सब्जी में औषधियों के गुण बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल जड़ी बूटियों के तौर पे भी किया जाता है, और दांत के दर्द में तो ये आपको बहुत आराम दे सकती है। इसके अलावा टीबी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें काफी एंटीबायोटिक्स के गुण पाए जाते हैं। हॉप शूट्स को लोग कच्चा भी खाते हैं, लेकिन ये खाने में काफी कड़वी होती है। लोग इसकी टहनियों का इस्तेमाल सलाद बनाने में भी करते हैं, और इसका अचार भी बनाया जा सकता है, और ये पकाने के बाद खाने में काफी स्वादिष्ट होती है। हॉप शूट्स की औषधियों के गुण की पहचान सदियों पहले हो गई थी। करीब 800 ईस्वी के आसपास लोग इसे बियर में मिलाकर पीते थे, और ये सिलसिला अब तक चला आ रहा है। सबसे पहले इसकी खेती उत्तरी जर्मनी में शुरू हुई, उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। इसकी खूबियों को देखते हुए 18वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड ने इस पर टैक्स भी लगाया था। साथ ही यह भी अनिवार्य कर दिया था कि बियर को बनाने में सिर्फ इसी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाए। मार्च से लेकर जून तक हॉप शूट्स की खेती के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। इसका पौधा नमी के साथ साथ सूर्य का प्रकाश मिलने से बहुत तेजी से बढ़ता है। कहते हैं कि एक ही दिन में इसकी टहनियां 6 इंच तक बढ़ जाती है। इसकी एक खासियत भी है, शुरुआत में इसकी टहनियां बैंगनी रंग की होती है, जो बाद में हरे रंग में बदल जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए यूजर्स लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाइएगा।